हाय एवरीवन, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज साल का आखिरी दिन है और आप सबका स्वागत है आपके ही इस चैनल पे। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। और आज साल का आखिरी दिन है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे और इंजॉय करने के साथ साथ सेफ्टी जरूर रख रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है, आज मैं जो टॉपिक ली हूँ वो है हेयर कलर के बारे में। हम मार्केट में जाते हैं और बहुत महंगी महंगी हेयर कलर लेके आते हैं और अपने बालों में लगाते हैं और फिर 20 डेज, मैक्सिमम 20 डेज के बाद फिर से हमको अपने बाल में एक कलर अप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे तो ग्रे जो हेयर है वो आ जाते हैं फिर से। अब ये बहुत बड़ा झंझट है उनके लिए जिनके वाकई सारे बाल ग्रे हो चुके हैं। तो मैं मार्केट में गई थी और जा रही थी तो एक छोटा सा गुंडी था और वहाँ पे गई तो एक औरत एक हेयर कलर ले रही थी और वो बहुत ही कम पैसे में मुझे दिखा। और मैंने उनसे पूछा कि आप ये हेयर कलर लगाती हैं? तो बोले हाँ। तो हम बोले कि कैसा है? तो अच्छा है, बस उन्होंने ऐसे बोला कि अच्छा है। हम बोला ठीक है। फिर मैंने उसका प्राइस देखा और मैंने उसको ले लिया। मैंने उसका 2 पैकेट लिया और लेके आया कि चलो इसका तो रिव्यू बनता है, एक रिव्यू करते हैं। तो और रिव्यू करना था और मेरे दिमाग में एक चल रहा था कि मैं थोड़ा सा अपना लुक चेंज करूँगी हेयर कलर के चक्कर में, मतलब पार्लर में जाके थोड़ा सा कलर कराऊँगी और एकदम लुक चेंज करूँगी। तो जो कलर मैं चाह रही थी अपने हेयर पे करना, वो उस पैकेट में मुझे दिखा एकदम सेम वही कलर। तो मुझे लगा क्यों नहीं इसको यूज़ भी करते हैं, देख भी लेते हैं कि क्या वो कलर आता है और फिर रिव्यू भी हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात, जब मैं वीडियो बनाने गई तो मैंने कैमरा तो सेट किया था लेकिन मैंने पूरा हीना लगा लिया और मुझे लग रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं, वो रिकॉर्डिंग ऑफ था। तो ये मेरे मुझसे मिस्टेक हुआ, इसलिए कि अब फिर मैं उस चीज़ को तो दोबारा लगा नहीं सकती उस पर। तो इसीलिए इसके लिए मैं सॉरी भी बोल रही हूँ आप लोगों से। तो ये गलती हो गया, लेकिन मैं आपको पिक्चर दूंगी यहाँ पे कि वो कलर कैसा देता है। चूँकि आप देखेंगे उस पिक्चर में तो वो छोटा सा पैकेट है, पहले उस चीज़ को देख लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं। ये इसका मैं रिव्यू करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि इसका कलर कैसा होता है। मैं लगाने वाला वीडियो तो नहीं दिखा पाऊँगी लेकिन इसको मैं दिखाऊँगी आपको कि इसका कलर कैसा होता है, पूरा नेचुरल कलर क्या आता है, जो इसमें है क्या ऐसा आता है कि नहीं आता है। तो चलिए बातें करते हैं। तो आपने देख लिया ये निशा कलर है, देखिए इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कैसे यूज़ करना है, बहुत ईजी है तरीका यूज़ करने का। और कलर ऐसे आता है, नेचुरल ब्राउन है, ये हर्बल केयर है, सिल्की एंड शाइनी सॉफ्ट हेयर। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं कि क्या ये 15 रुपीज इसका प्राइस है जी। 15 रुपीज, ये सब चीजें। चलिए बातें करते हैं। तो आपने वीडियो देख लिया, तो उस छोटे से पैकेट में जब मैंने उसको लगाया तो मेरा आधा बाल आप देखेंगे तो ब्लैक है और आधा बाल जो जब उसको लगाने के बाद, वो आधा बाल मेरा निशा जो हेयर कलर है उसको लगाने के बाद आधा बाल मेरा कलर हुआ है। तो मैंने जो कलर चाहा था आपको दिखा रही हूँ, मैंने एकदम ये कलर चाहा था। मैं चाह रही थी कि पार्लर में जाके थोड़ा सा लुक चेंज करूँ और मुझे ये कलर मिले, लेकिन अफसोस कि मुझे वो कलर इससे भी नहीं मिला। मुझे लगा कि ये बहुत कम पैसे में ऐसा कलर दे रहा है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन निशा ने ऐसा कलर नहीं दिया मुझे। निशा का जो कलर है आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कि वो, जब आप हीना के अगर लवर हैं तो ये कलर आपको बहुत सूट करेगा, मतलब डार्क हीना, जब हीना आप लगाते हैं तो वो डार्क अगर कलर देगा तो वैसा ही देगा, तो सेम वैसा है। और अगर आप पूरे बाल में अपने लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा लुक देगा, ऐसा नहीं है कि खराब लुक देगा। बहुत लोगों को वो कलर बहुत पसंद भी आता है। मैं डार्क ब्राउन चाह रही थी जो कि मतलब हनी कलर में, लेकिन वो हनी कलर मुझे मिला नहीं इससे। मुझे पिक्चर में तो दिखा ऐसे ही लेकिन मिला नहीं, लेकिन ये नेचुरल है। अगर इसका रिव्यू करूँ मैं, चलिए कलर की बातें छोड़ दूँ कि ये कलर तो मुझे नहीं मिला जैसा पैकेट में दिख रहा है,
लेकिन इसका ब्लैक भी कलर आता है, इसका बर्गंडी भी आता है, आई थिंक और भी कलर आते होंगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने तीन कलर वहाँ पे देखे और मैंने ये कलर उसमें से यूज़ किया लिया कि मैं इसका रिव्यू करूँगी। तो ये मैंने इसको कट किया और जब मैंने खोला तो ये एकदम मेहंदी जो हीना होता है ना वैसा ही था, हीना कलर में ही था। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि ये आपको कलर जो होता है जो और भी हम लोग महंगे कलर लगाते हैं वैसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम हीना की कलर की तरह था। और वैसे ही पानी से घोलना है और आपको अप्लाई करना है, एक घंटे रखना है और फिर प्लेन वाटर से धो देना है अपने बालों को, मतलब सादे पानी से धो देना है, शैम्पू नहीं करना है। नेक्स्ट डे आप शैम्पू करिए या तो उसके भी नेक्स्ट डे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने लगा के देखा है, सबसे बड़ी बात है जो वो कलर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक फ्रेगनेंस होता है उसका, वो आपके आंखों में जलन भी देने लगता है कभी कभी जिनको सूट नहीं करता है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी इसमें लिखा है कि आप एक टेस्ट कर लीजिए, लेकिन एकदम हीना की तरह इसका, इसको आप ओपन ही करेंगे जो इसका अंदर का पाउडर है वो एकदम हीना की कलर की तरह है। इनफैक्ट आप अगर हाथों से लगाएंगे ना तो आपके उंगलियों में भी हीना का कलर लग जाएगा, मेहंदी लगाने के लिए काम आएगा ये, तो मैं तो इसको मेहंदी ही बोलूँगी। तो ये अच्छा, वैसे बहुत अच्छा मुझे लगा कि एक हीना का कलर अगर आपके बालों में चाहिए तो ये आपको देगा। तो आप अगर हीना लगाना पसंद करते हैं और वो कलर चाहते हैं तो ये आपको पूरा देगा, आप इसको लगा सकते हैं। और रहा बात कि अभी मैं बताऊं कि मैं जो लगाई हूँ पिक्चर दे रही हूँ, मैंने पिकनिक, मैं पिकनिक का वो पिक्चर था, मैंने फटाफट लगाया और मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा एक अलग लुक भी मिल जाएगा और वीडियो भी बन जाएगा, लेकिन वीडियो तो बना नहीं बन पाया। तो वो मैंने थोड़ा सा लगाया, आप देख ही रहे हैं उसमें कि इधर थोड़ा सा ब्राउन है और थोड़ा सा इधर ब्लैक दिख रहा है आपको यार, लेकिन अभी तक मैंने शैम्पू नहीं किया है, मतलब उसको लगाने के बाद मैंने बस प्लेन वाटर से धुला है, अभी तक शैम्पू नहीं किया है, लेकिन मेरे बाल में कोई भी इचिंग नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ थोड़ा सा आपको इचिंग जरूर होगा जो कि बाल में रह जाता है अंदर अंदर, तब होगा, तो वो इचिंग ऐसे ऐसे करेंगे फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ वाला इचिंग नहीं होगा कि मतलब आपको बहुत प्रॉब्लम करे। तो मुझे तो अच्छा लगा, अगर मैं सच बात करूँ तो इसका कलर वो नहीं मिला उसके लिए मैं थोड़ी सी सैड जरूर हूँ, लेकिन अगर इसका ओवरऑल रिव्यू करूँ कि मतलब ये इचिंग करना है तो उन सबसे बहुत कम इचिंग करता है और अच्छा है, अच्छा है। मुझे ये कलर नहीं मिला, आई थिंक सो मुझे ये कलर चाहिए था लेकिन वो मुझे अलग कलर दे दिया। इसमें आपको वही कलर लग रहा है जो मेरे बाल में है लेकिन इसमें अलग कलर दिख रहा है, तो ये अच्छा है। आप अगर चाहते हैं कि महंगे महंगे मेहंदी से बचें, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो इसके साथ आप जा सकते हैं, आगे आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगता हो वो कीजिए। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और हाँ आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और मैं प्रेयर करूँगी कि भगवान आपके आने वाले जो नए साल में आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करें, सारी अच्छी मनोकामनाएँ पूरी करें, आपको जो भी अच्छा लगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।